नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अगस्त बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 1 सितंबर से सरकारी व प्राइवेट स्कूल शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में न सिर्फ बच्चों को दूर बैठाया जाएगा बल्कि स्कूल आने का समय भी अलग अलग होगा। एक पारी स्कूल में 9वीं व 11वीं के स्टूडेंट्स को सुबह 7:30 बजे स्कूल आना होगा, जबकि 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स 8 बजे स्कूल आएंगे। दो पारी स्कूल में 9वीं व 11वीं से को 12:30 बजे से 5:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा, जबकि 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स को 1 से 6 बजे तक स्कूल में रहना होगा। दोनों की छुट्टी में भी आधे घंटे का अंतर रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे ही नियमों की सलाह SOP जारी कर दी है। खास बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहा है तो उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो स्कूल आए। 1 सितंबर से शुरू हो रही इन क्लासेस के लिए सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल को SOP की पालना करनी होगी। आगरा जिले में 48 घंटे में शराब पीने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई। ताजगंज में के नगला देवरी में 4, जबकि डॉकी के कोलारा कला में 3 और बरकुला में 1 की मौत हुई है। परिजन और ग्रामीण जहरीली शराब पीने के बाद मौत का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 6 की मौत की ही जानकारी दी गई है। इनमें से 5 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम करवाए गए हैं। पुलिस ने बताया कि डॉकी के गांव कुलारा कला निवासी राधेश्याम, अनिल रामवीर और गांव बरकुला निवासी गया प्रसाद की शराब पीने के बाद मौत हो गई। चारों ने एक साथ शराब पी थी। परिजनों का आरोप है कि शराब जहरीली होने की वजह से चारों की तबीयत बिगड़ी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया अत्यधिक शराब पीने से मौत का मामला लग रहा है। मामले की जाँच की जा रही है। पाली जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के तोगावास में एक सड़क हादसा हो गया, जहां रामदेवरा जा रही जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी सामने आई है। वहीं एक दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भिजवाया है। वहीं मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के कोटपुतली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पर शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब के 800 कार्टून जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। यह पकड़ी गई अवैध शराब राजस्थान निर्मित है। शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। यह अवैध शराब अलवर से गुजरात ले जाई जा रही थी। अजमेर जिले के केकड़ी थाना क्षेत्र के खवास गांव में विषाक्त भोजन से 4 मासूमों की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में परिजन सभी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान 2 मासूमों की मौत हो गई। वही 2 मासूमों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक सगे भाई बहन थे। पुलिस ने बताया कि नाना ने परिजनों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बच्चों को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ED और CBI से पूछा कि विधायक सांसदों के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने में देरी क्यों हो रही है। CJI ने कहा कि अगर जांच में कुछ मिलता है तो चार्जशीट दाखिल कीजिए, इसे लंबित मत रखिए। CJI ने कहा कि हम जांच एजेंसियों को निराश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं रहे हैं। जांच एजेंसियों पर दबाव है तो कोर्ट के ऊपर भी मामलों का दबाव है। एक CBI कोर्ट में 900 मामले हैं। मैंने 2 जजों से भी कहा था कि वो इस मामले को देखें और युक्तिकरण का सुझाव दें। यह देश के लिए भी अच्छा है और देश में रैशनलाइजेशन पॉलिसी हो। यह रिपोर्ट अच्छी नहीं है। 10 से 15 सालों से चार्जशीट या कुछ और दाखिल ना करना गलत है। एक केस ऐसा है जहां आपने 200 करोड़ की संपत्ति अटैच की लेकिन कुछ भी फाइल नहीं किया गया। खासकर ED की तरफ से ऐसा हो रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कैदी मोहम्मद यूनुस ने आत्महत्या की धमकी दी है। कैदी यूनुस के साथ अन्य कैदियों ने मारपीट की थी, जिसके बाद यूनुस के कान का पर्दा फट गया। कार्रवाई नहीं होने से आहत कैदी ने भूख हड़ताल की। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस में कैदी यूनुस ने परिजनों को आपबीती बताई है। राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ रोड थाना में शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी प्रदीप जोधा ने अपना शादीशुदा स्टेटस छुपाकर पीड़िता से फोन पर दोस्ती की, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी की। जोधा का राज युवती के सामने शादी के कुछ ही दिनों बाद फाश हो गया। युवती ने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने पीड़िता को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा, उसका दैहिक शोषण किया और उसके पीहर से मिले जेवरातों को गिरवी रखकर लाखों रुपए ले लिए। इतने से भी आरोपी का मन नहीं भरा तो वो पीड़िता की स्कूटी लेकर शहर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस आउट कर सीकर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है।
भरतपुर कोर्ट ने रिश्वत लेने की दोषी CDPO को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बिल पास करने के लिए 50% रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर ACB ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। भरतपुर में पहली बार किसी महिला को भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा हुई है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यकर्ता को बाद में विभाग ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लेने के आरोप में नौकरी से हटा दिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष न्यायालय महिला व बाल विकास विभाग की CDPO सुनीता सिंगल रिश्वत लेने की दोषी पाई गई। जज जितेंद्र सिंह ने 2 साल जेल और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में लुटेरों ने एक व्यापारी के घर और दुकान के पीछे से दीवार खोदकर अंदर घुसे और 2 लाख रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं लूट की इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापार मंडल वारदात का विरोध कर रहा है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। कहते हैं कि पिता अपनी बेटी का रक्षक होता है क्योंकि बेटी बाप की लाडली होती है, स्वाभिमान होती है। लेकिन हरियाणा के करनाल में पिता द्वारा अपनी 11 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बेटी की मां ने पुलिस को बताया कि वह शहर में काम करने के लिए घर से बाहर गई थी। वह बेटी व बेटे को दादी के पास छोड़कर आई थी। जब वह दोपहर को घर पहुंची तो बेटी रो रही थी। उसने बताया कि उसका पिता उसे दादी के पास से ले आया था, फिर घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.